हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फटाफट से जुड़े भाई एक बार सभी बच्चे, ताकि हम आज का जो हमारा सेशन है वो जल्दी से स्टार्ट कर पाएं। और एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक। इफ द ऑडियो इज क्लियर एंड वीडियो इज क्लियर, काइंडली टाइप यस इन द चैट बॉक्स। नुसरत अफजल जी वेटिंग। तो हम आ गए नुसरत जी। जुगी खान गुड आफ्टरनून। विजय कुमार गुड आफ्टरनून। तो बाकी बच्चे भी जुड़े भाई फटाफट, और जो जुड़ गए हैं वो साथ के साथ लाइक और शेयर करते चले भाई, ठीक है। चलो तो एक बार मुझे बता दें कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, काइंडली टाइप यस इन द चैट बॉक्स। विजय कुमार जी कह रहे हैं यस, ओके। चलिए तो फिर हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी बच्चे जुड़ते चलेंगे। अर्पित दीवान जी थैंक यू। चलिए तो फिर सबसे पहले मैं आपको हमारे यूपीएससी मेंस 2020 के क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा भाई। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट कवरेज दी जाती है जीएस के चारों पेपर्स के, जिसमें पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर। इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं, हैंडआउट मिलेंगे, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग लेक्चर्स होंगे, प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं जिसमें 7 सेक्शनल टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट और 2 ऐसे टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में अवेलेबल है। आप इसके साथ जुड़ के अपने मेंस की तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी चंद्रशेखरन जी, तो विल यू बी कवरिंग एंटायर सीसेट सिलेबस? यस लक्ष्मी जी, पूरा कवर ही करेंगे हम लोग। विक्रमशील सिंह बाबा गुड मॉर्निंग। ऋतुराज यस सर, ओके थैंक यू। अमरीन अम्मू ऑडिबल, ठीक है, गुड आफ्टरनून अमरीन जी। चलिए तो अगर आप करंट अफेयर को लेके चिंतित है जरा भी, तो आप हमारी परिश्रम टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स फॉर 2021, जिसमें आपको 26 टेस्ट दिए जाएंगे विद 2600 एमसीक्यूज। क्वेश्चन पेपर होता है प्लस डिटेल सॉल्यूशन होते हैं, और मई 2020 से मई 2021 तक की कवरेज इसमें आपको दी जाती है। तो ये भी बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में अवेलेबल है। तो इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8146207241 पे कॉल करके, या आप हमें hello@civilstep.com पे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब हम आज की हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने रेशियो का बेसिक जाना था, आज हम लोग पहले प्रोपोर्शंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। कल हमने रेशियो पढ़ा था, रेशियो का बेसिक, आज हम पहले प्रोपोर्शन का बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि क्या होता है, इक्वेलिटी, यानी कि समानता दिखाना ही प्रोपोर्शन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, सी रेशियो डी। जब हम दो डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है रेशियो, और जब हम चार डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो ये आपका जो साइन है ये प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। तो दैट मीन्स यही होता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई, ठीक है। तो मैं ये भी बोल देता हूँ इसको कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं मीन्स, जो ये अंदर वाले कंपोनेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं मीन्स, और जो ये बाहर वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। नॉर्मली कोई इतना यूज नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखिए आप हमेशा इस तरीके से इसको लिखते हैं, और ऐसे इनको सोल्व किया जाता है हमेशा, ठीक है। शिवानी तुतेजा जी गुड आफ्टरनून। तो सबको समझ में आ गया भाई, तो ये मतलब होता है किसका, प्रोपोर्शन का। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ लेगा मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसे बोलते हैं मध्य समान, ठीक है, मध्य समानुपाती। यहां आपको हमेशा टू नंबर गिवन होंगे,
ठीक है, टू नंबर गिवन होंगे और आपसे पूछ लेगा कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ उनका, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा लेट वो जो दो नंबर है गिवन नंबर वो ए और बी है, ठीक है, और मीन प्रोपोर्शनल हमारा एक्स है, तो हमेशा इसको इस तरीके से लिखते हैं ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी। तो ये हो जाएगा देखो ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए बी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका रूट ले लेंगे। जैसे कोई हमें कहे कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, दोनों की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 4 × 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, 6, ठीक है। कार्तिक साजी गुड आफ्टरनून, क्लियर है भाई, ध्यान रहेगा। तो मेन प्रोपोर्शनल में हमेशा दो नंबर गिवन होंगे, दोनों के मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, मेन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 और 9 का मेन प्रोपोर्शनल बताना है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या आ गया हमारा मेन प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हमसे पूछ सकता है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसमें भी आपको तृतीय समानुपात कहेंगे इसको, इसमें भी आपको टू नंबर गिवन होंगे, ठीक है, टू नंबर गिवन होंगे। जैसे सपोज वो नंबर ए और बी है, कोई भी ए और बी, और आपसे पूछ लेगा थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। मान लीजिए वो थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, ये हमेशा इस तरीके से बनेगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो एक्स, इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू होगा बी स्क्वेयर बाई ए, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये बनते कैसे है मैं ये भी बता रहा हूँ, बट आपको तो डायरेक्टली ध्यान रखने है। तो जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय पहला नंबर, ठीक है। जैसे कोई आपको कहे कि 4 और 6 का बताइए कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो ये ए है हमारा, ये बी है, तो बी का स्क्वायर कर दो 6 × 6 और बटे ए से भाग दे दो 4, 2 से घटेगा 3 और 2 से घटेगा 3, तो ये कितना होगा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल 9 होगा, ठीक है। अब आप इसको पुट भी करके देख सकते हो, अगर मैं इसमें पुट करूं ए बी और एक्स की वैल्यू, तो मतलब इक्वेलिटी होनी चाहिए। देखो ए कितना आया हमारे पास, ए कितना है 4/6 और बी कितना है 6 और एक्स कितना आया 9, देखो 2 से काटोगे तो 2/3 और इधर 3 से काटोगे तो 2/3 बन गया कि नहीं बन गया इक्वल, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे ही बनती है, बट आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मेन प्रोपोर्शनल जब निकालते हैं तो रूट ए बी होता है और जब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो बी स्क्वायर बाय ए होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं फोर्थ की बात करूं, थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमेशा इसमें आपको 3 नंबर गिवन होंगे, 3 नंबर गिवन, ठीक है। जैसे कोई भी है ए बी और सी, और आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, मान लीजिए x है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हमेशा क्या होगा बच्चे, a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो x, यानी कि a by b is equal to c by x, तो a into x is equal to b into c, तो x is equal to हो जाएगा b into c divide by a, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमेशा क्या होगा, सेकेंड और थर्ड नंबर की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय पहला नंबर, ठीक है, चाहे कुछ भी है। जैसे हमें कहा गया कि 3 नंबर है हमारे पास, बिकॉज 8, 9 और 12 है, ठीक है, तो बताओ कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल किस तरीके से बताएंगे, दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा और डिवाइड बाय पहला नंबर,
ठीक है, तो चार से कटेगा दो, चार से कटेगा तीन, तो 27/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 27/2। तो इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल हम बता सकते हैं, ठीक है। तो तीन ही टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। सर्व्या चौधरी जी गुड आफ्टरनून, ठीक है, कार्तिक शाह जी गुड आफ्टरनून। तो मैं एक बार थोड़ा सा समराइज भी कर देता हूँ इसको। देखो हमेशा ध्यान रखिए प्रोपोर्शन को, कि ये सीरीज होती है हमेशा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू होता है सी बाई डी। ये बात ध्यान रखिए, हमेशा प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी मेन प्रोपोर्शन बताना है, मेन प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले मेन प्रोपोर्शन मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू होगा रूट ए बी, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आपको कभी भी थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन एक्स इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, बी ए होगा पहला नंबर, बी होगा दूसरा नंबर, ठीक है, दो नंबर यहाँ से आपको गिवन होंगे, ठीक है जी। और अगर आपको कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन होगा और उसको आप फिर आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके एक बार बता दो कि यहां तक क्लियर है सभी को। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स क्वेश्चन करेंगे। गौरी नवीन जी गुड आफ्टरनून, अंकित प्रधान जी सभी से पूछ रहे हैं हाय ऑल, ठीक है। चलो तो बताओ मुझे फटाफट से एक बार कि यहां तक क्लियर है सभी को भाई, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पे बेस्ड। दो चार क्वेश्चन प्रोपोर्शन के लेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स होता चलेगा आगे आगे, ठीक है। चलिए बता दो एक बार फटाफट से कमेंट करके, क्लियर है, चलिए यस। चलो तो काफी लोगों ने बोल दिया है कि क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। बाकी भी बोल दें, ठंड में हाथ रजाई में हाथ हिलाओ, हाथ पैर हिलाओगे तभी तो कुछ ना कुछ कामयाबी के किसी सत्तर तक जा पाएंगे हम लोग। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करेंगे। शेख अनास जी ये लेक्चर सीरीज तो चलती ही रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, मुझे फटाफट से बताओ कि आपने कितना पढ़ा है अभी, कितना समझ में आया आपको। कार्तिक यान एस हेलो जी कैसे हैं आप। चलिए नुसरत अफजल जी भी यस बोल रहे हैं। चलो तो बच्चे फटाफट से बताओ भाई क्या आंसर होगा। शिवानी तुतेजा ने सी कहा है। इज देर एनी बुक दैट वी कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एज वेल। बुक तो कोई भी, सारी बुक अच्छी है मार्केट में, कहीं से उठाओ, बट यूपीएससी का सिलेबस ही ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है चीजें, जितना पढ़ सको उतना पढ़िए। 250 बता रहे हैं सारे। दाबी महेश, शिवानी तुतेजा, अभिनव मिश्रा, जूही खान, विजय कुमार, पूनम पुरोहित, सर्व्या चौधरी। देखो बच्चे क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि जो मेन प्रोपोर्शन होता है, मेन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, मेन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू किसके होता है, रूट ए बी, दोनों नंबर्स का रूट लेना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला नंबर कितना है भाई, 100 और इंटू 625, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 625 किसका होता है 25 का, तो दैट मींस जो आंसर होगा वो कितना होगा 250, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। एसएससी सीएचएसएल के लिए भी रेफर कर सकते हैं क्या आपके लेक्चर, यस क्यों नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से वो तो सारा ही कवर हो रहा है इसमें बड़े आराम से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल का आंसर देंगे सभी बच्चे, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर टू, फटाफट
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 27, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है 9 और 27 के बिटवीन। फटाफट से बताओ भाई, देखो पढ़ी हुई चीज पे लेट करोगे तो फिर कोई मजा नहीं। ये तो अभी बताया ही है कि कैसे निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। यस, काफी बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे बताना है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। तो आपका बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आपका है 27, तो 27 इंटू 27 डिवाइड बाय 9, तो 9 से जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू 81। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, तो जिन भी बच्चों ने डी आंसर किया है, डी सभी ने बिल्कुल राइट किया है भाई, ठीक है। चलो तो वेरी गुड, तो 81 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। Determine the force proportional to 9.6 meter, 7.2 meter, 28.8 meter. चतुर्थ अनुपात आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला सभी को पता है। यस गौरी नवीन जी बिल्कुल राइट। सर्विया चौधरी, जूही खान, अभिनव मिश्रा, दाबी महेश, सोम बी, विजय कुमार, पूनम पुरोहित, लक्ष्मी चंद्रशेखरन और शिवानी दुतेजा, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया, ठीक है। नेक्स्ट में हमें बताना फोर्थ प्रोपोर्शनल, और फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू होता है जब तीन नंबर गिवन होते हैं हमें, ठीक है, बी इंटू सी डिवाइड बाय ए, यानी कि सेकंड और थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो 7.2 इंटू 28.8 डिवाइड बाय 9.6, ठीक है। तो ये कट जाएगा इससे 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 21.6, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी जो भी बच्चा आंसर कर रहा है बिल्कुल राइट आंसर कर रहा है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, काफी बच्चों ने बी बताया है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर है, जब इतने बच्चे आंसर कर रहे हैं तो मतलब चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। What is the fourth proportional to 189, 273 and 153? What is the fourth proportional to 189, 273 and 153? कैलकुलेशन थोड़ी सी तो ठीक ठाक होनी चाहिए मुझे लगता है, ताकि जल्दी जल्दी आंसर कर दें हम लोग, कोई ज्यादा वो भी नहीं है गुणा जोड़ भाग। तो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चे, यहां से देखो भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 273 इंटू 153 डिवाइड बाय 189, ठीक है। और अब ये कट रहे होंगे किसी ना किसी से, तो अगर मैं इसको देखूं ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, देखो 9 से कटेगा 21 और 9 से कटेगा ये 17, 21 से ये कटेगा 1 और फिर बच गया 6, तो 63, तो 13 × 17, तो दैट इज 221, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 221। तो जूही खान ने सबसे पहले आंसर किया सी, यस, और शिवानी तुतेजा ने भी सी बताया, सोमबीर जी, लक्ष्मी चंद्रशेखरन, विजय कुमार, यस। तो
तो आई थिंक ये प्रोपोर्शनल वाला सीन सभी को क्लियर है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कैसे बताते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे बताते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे बताते हैं, तो कभी भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप बड़े आराम से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। विजय कुमार, गौरी नवीन, सर्व्या चौधरी ने भी आंसर दे दिया है भाई। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे अब हम, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे मिला करके होंगे, ठीक है। अभी हमने रेशियो का बेसिक क्लियर किया और प्रोपोर्शन का भी बेसिक ही क्लियर किया है। अब इन पे और किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछता है, जो हमने सीखा है रेशियो में कि रेशियो कैसे बनाते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, उन सब चीज़ों का यूज करके ऐसे करके हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलो तो उसी कड़ी में अगला सवाल आप लोगों के सामने है। देखो जो कल हमने पढ़ा था उसी का यूज करना है, बस उसको मैंने एक क्वेश्चन का रूप दे दिया है, ठीक है। रुपीज 3400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इज सच अ वे दैट इन सच अ वे दैट द शेयर ऑफ ए एंड बी बी एंड सी सी एंड डी मे बी इन द रेशियो 2:3 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी इज, मैंने आपको कल बताया था कि पहले रेशियो कंबाइंड करेंगे, ठीक है भाई। अब कंबाइंड कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है ए बी सी और डी, हमें पता है कि ए रेशियो बी कितना है भाई 2:3, तो ये 2 है तो बी कितना है 3, जिसकी वैल्यू जितनी दे रखी है उसको उधर ही रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो बी एंड सी दे रखा है कितना 4:3, तो B और C के नीचे 4:3 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट दे रखा है सी एंड डी में भी 2:3, तो ये 2:3 आ जाएगा। अब इनको करना है हमें कंबाइंड, क्योंकि बिना कंबाइंड के तो हम आंसर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। अब मैंने कल आपको बताया था कि अब जो हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस हैं, खाली स्थान है, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, बराबर वाली डिजिट। देखो यहाँ कितना है भाई 3, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, तो ये स्पेस खाली है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था, अगर किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा तो वो कल की वीडियो भी देख लेना जरूर ना, ठीक है बच्चे, उसके बाद पढ़ोगे तो फिर मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो भाई, यहाँ ये स्पेस खाली है तो कितना आ जाएगा 3, ये जगह खाली है तो बराबर में कितना है 4, इसके बराबर में कितना है 2, इसके बराबर में कितना है 2, ठीक है। और फिर सबकी गुणा कर देते थे हम, तो गुणा कर दो, 2 × 4 × 2 तो ये कितना हो गया जी 16, 4 × 3 × 2 = 24, ठीक है, 3 × 3 × 2 = 18 और 3 × 3 × 3 = 27, ठीक है। तो ये बन गया कंबाइंड रेशियो, और यानी कि इन टोटल की वैल्यू जो है, इस टोटल की वैल्यू कितनी है 3400, क्योंकि सभी में यही तो डिवाइड किया गया है, मानते हो कि नहीं इस बात को। तो अगर सभी में यही डिवाइड किया गया है तो मतलब इन सब का सम करेंगे, देखो 16 + 24 + 18 + 27, ठीक है, ये सब का सम किसके बराबर है 3400 के, ठीक है भाई। तो 16, 24, 40, 58, 65 और 20, 85, तो 85 यूनिट, ये यूनिट में ओरिजिनल नहीं है, ये इज इक्वल टू 3400, ठीक है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तभी ओरिजिनल में बदलेगा, तो 3400 डिवाइड बाय 85, तो अगर ये 40 से कट रहा है तो काट दो इसे, क्या बुराई है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, यानी कि अगर आप इन सब को 40 से गुणा कर दोगे तो इनका इनिशियल हिस्सा आ जाएगा, यानी सबका हिस्से में जो आ रहा है ओरिजिनल वैल्यू वो आ जाएगी। बट द क्वेश्चन इज, जो हमसे पूछा गया है वो क्या है कि द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड डी, बी और डी का शेयर बताओ, बी और डी का सम बताना। देखो बी कितना है रेशियो में, रेशियो में बी है 24, डी कितना है 27, तो 24 + 27, तो 24 और 27 कितना होता है बच्चे 51, बट ये यूनिट में है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में बदलने के लिए 1 यूनिट से गुणा कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 40 से गुणा कर देंगे भाई, 4 × 20 = 2040, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभिनव मिश्रा जी, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया, कहने का मतलब ये बच्चे कहानी कहाँ से शुरू होगी,
कहानी होगी सबको कंबाइंड करने से शुरू, पहले सबको आपको कंबाइंड करना है, ठीक है। कंबाइंड रेशियो आने के बाद फिर आप कंपेयर आराम से कर सकते हो, अन्यथा आप उसे आराम से कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। मानते हैं भाई सारे इस बात को। चलो तो अगले सवाल की तरफ कदम रखा जाए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन। 68,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:4, 5:16। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट का डिफरेंस हमें बताना है। बट बच्चे अभी तो हमें यही नहीं पता कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले आपका काम है कंबाइंड रेशियो बनाना, ठीक है भाई। तो कंबाइंड रेशियो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो टोटल तो है 68,000 जो डिवाइड हो रहा है तीन पर्संस में, ए बी और सी में, ठीक है। अब ए बी सी का जो रेशियो है वो है 1:2, रेशियो 1:4, रेशियो 5:16, ठीक है। तो अगर मैं सीधा भी कर सकता हूं तीनों का सम करके इसके इक्वल कर दूं ये वो, बट नहीं करेंगे विजय कुमार जी, क्योंकि यहां उसने ओरिजिनल डाटा पूछा है। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि कैन वी रिड्यूस 24:27:8:9। अगर उसने रेशियो पूछा होता तो हम डेफिनेटली कर सकते थे, बट उसने ओरिजिनल डाटा वैल्यू पूछी है तो तब नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले यहां से फ्रैक्शन को रिमूव कर देंगे, ठीक है भाई। क्या करेंगे, फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को खत्म कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। अब देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 4 और 16, इनका एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। तो सभी रेशियोज को 16 से गुना कर दो, तो ए बी और सी तो ये खत्म हो जाएंगे फ्रैक्शन। 1:2 को भी 16 से गुना कर दो, क्योंकि आप ये बात जानते हो कल की क्लास में मैंने बताया था कि रेशियो को सेम नंबर से गुना करोगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो सेम नंबर से गुना कर रहे हैं, सबको 16-16 से गुणा कर रहे हैं ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। देखो 2 से कटेगा तो 8, तो ए की वैल्यू तो आ गई 8 भाई। ये कटेगा 4 से तो बी की वैल्यू आ गई 4, ये कटेगा 16 से तो सी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा ये, क्यों हो जाएगा सुविधाजनक, क्योंकि कैलकुलेशन होगी आसान, तो आसान होगी तो फिर सुविधाजनक है हमारे लिए भाई। तो ए बी और सी, ये 8, ये 4 और ये 5, देखो टोटल कितना, 8 और 4, 12 और 5, 17, और 17 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की थी, टोटल 68,000, ठीक है जी। तो 1 unit is equal to 4,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 4,000। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, देखो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई, 8, और सबसे छोटा भाग कितना है, 4, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 की वैल्यू कितनी, 4 × 4,000 यानी कि 16,000, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नुसरत जी क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों, ये वोटिकन वोटिकन हमें कभी समझ ही नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हम रियल में विश्वास करते हैं। थोड़ा सा बुरा मत मानना, इनका मतलब हमें कभी पता ही नहीं चला कि कब खुश हैं, कब नाराज हैं, कब ये है, और जिंदगी में कभी मौका भी नहीं आया कि हम ये सब भेजें। चलो ठीक है, चलिए तो बढ़िया से सोल्व हो गया ये क्वेश्चन हमारा और आप सभी को समझ भी आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए भाई, अगला सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करें सॉल्व फटाफट से।
रुपीज 3000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सो दैट ए रिसीव्स 1/3 एज मच एज बी एंड सी टूगेदर रिसीव्स एंड बी रिसीव्स 2/3 एज मच एज ए एंड सी रिसीव द शेयर ऑफ सी इज हमें सी का शेयर बताना है कितना होगा. मुझे लगता है कि आप लोग बड़े आराम से बता देंगे तो इस बार आपके आंसर का इंतजार करेंगे हम. ठीक है तो फटाफट से आंसर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. करो सॉल्व फटाफट. सिर्फ बेसिक से समझ ही है आपकी जो इसको बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे. ठीक है भाई तो बताओ फटाफट. रोशन सेट्टी जी गुड आफ्टरनून. चलो देखो कैसे सोल्व करेंगे बच्चे. क्या बोल रहा है कि रुपीज 3000 इज डिवाइडेड अमंग बिटवीन ए बी एंड सी. ए रिसीव्स 1/3 एज मच बी एंड सी. वो कह रहा है कि ए को बी और सी का 1/3 मिलता है. तो इसका मतलब ये हुआ अगर बी और सी को 1 मिला तो ए को कितना मिला 1. मानते हैं इस बात को कि ए को 1 मिला तो बी और सी को 3 मिला तो 1/3 का मतलब तो इतना ही है. नेक्स्ट कह रहा है कि बी रिसीव 2/3 एज मच ए एंड सी टुगेदर. जो बी है उसको ए और सी टुगेदर का 2/3 मिला. ठीक है भाई 2/3 का मतलब है अगर इनको 3 मिला तो इसको 2 मिला. यही तो हुआ 2/3 का मतलब क्या कि इसको अगर 3 मिला तो इसको कितना मिला 2 मिला. ठीक है अब अगर हमें यहां से एक बात तो क्लियरली पता है कि जो सम है टोटल वो कितना है 3000. अगर मैं यहां से तीनों का सम कर दूं तो ये कितना हो रहा है 4 और अगर मैं यहां से तीनों का सम करूं तो कितना हो रहा है 5. बट सम तो क्या है सेम तो इसको सेम बना लेंगे. सेम कैसे बनाएंगे इस पूरे को गुणा कर दो 5 से और इस पूरे को गुणा कर दो 4 से. ठीक है तो जैसे ही मैं इसको 5 और 4 से गुणा करता हूं तो ए रेशियो बी प्लस सी कितना बनेगा भाई 5:15 बनेगा. ठीक है 5:15 कितना बनेगा 15 और बी और ए प्लस सी को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12. ठीक है बन गया इतना भाई. अब हमें पता चल गया कि ए के हिस्से में कितना आया 5 बी के हिस्से में कितना आया 8 और टोटल कितना 15 × 5 = 20 और यहां से भी 20. तो सी के हिस्से में या तो देखो ए की वैल्यू 5 यहां रख दो. अगर ए 5 है यहां पे और ए और सी 12 है तो सी कितना बच जाएगा हमारे पास 7. ठीक है या बी की वैल्यू 8 यहां रख दो. बी अगर 8 होगा और दोनों का सम 15 है तो सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा. ठीक है तो ए बी सी आ गया हमारे पास. अब देखो सिंपली कि ए बी और सी हमारे पास कितना मिलेगा ए बी और सी. ए कितना आ गया भाई ए आ गया 5 बी कितना आ गया 8 और सी कितना आ गया 7. ठीक है अब टोटल कितना है ये 20. तो 20 की वैल्यू कितनी है 20 की वैल्यू है 3000. ठीक है और एक की वैल्यू कितनी होगी एक की वैल्यू होगी 20 से कट जाएगा ये 15 150 से. पूछ रहा है किसका हिस्सा सी का हिस्सा. तो सी का हिस्सा तो 7 है भाई. तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 × 150 तो 15 × 7 = 105 तो 1050. ठीक है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यस डी आंसर बिल्कुल राइट दिया गया है भाई. जिन भी बच्चों ने डी बताया है अच्छा बताया ही नहीं किसी ने ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का कमेंट है. चलो तो एक बार ये तो बता दो कि समझ में आया या नहीं आया फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. चलो भाई फटाफट से कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन. कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा बट एक बार बताओ मुझे फटाफट से. ठीक है इज इट क्लियर और नॉट सो दैट वी कैन रिपीट इट. इसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं ना उससे भी यही आ रहा है बच्चे. इक्वेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. प्रैक्टिकली करो ना आप. प्रैक्टिकली चीजें हमेशा ध्यान रहेंगी. ठीक है जो आपने अनुभव से सीखा होगा ना प्रैक्टिकली चीजों से
रट लोगे थ्योरी व्यूरी ये इक्वेशन इक्वेशन तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिकली करने की कोशिश किया करो। ठीक है, हमें मैथ में कभी कुछ ये वो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव है सारा ना। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जितनी भी चीजें हैं चल रही है, एक बार सीखने के बाद दोबारा बहुत कम है कि पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन ऐड करने हैं, दूसरी चीजें हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सीख लिया, पता चल गया कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। और अगर बेस अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि फिर ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है कोई भी चीज सीखने में। फिर इसे एक बार रिपीट कर दो। देखो शिवानी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें बताया गया था कि ए को बी और सी का 1/3 मिलता है, तो 1/3 का मतलब हुआ कि बी सी को 3 मिलता है तो ए को 1 मिलेगा, और बी को ए और सी का 2/3 मिलता है तो ए और सी को 3 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा। बट टोटल अमाउंट तो 3000 ही है ना। अगर टोटल अमाउंट 3000 है, ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए किया है गौरी नवीन जी हमने। देखो ए बी और सी ये जोड़ दूं तो 1 और 3 4 बन रहा है, और बी ए और सी को जोड़ दूं तो ये 5 बन रहा है। बट ए बी सी तो है तो एक ही ना, तो सेम तो होने ही चाहिए। तो इसलिए सेम करने के लिए इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दिया, इसको 4 से। और हमें इतना भी पता है कि रेशियो को अगर सेम नंबर से गुणा करें तो रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने 5 से गुणा किया, ये 5 और 15 आ गया, रेशियो तो अभी भी एक रेशियो 3 ही है। और 8 और 12 को 2 और 3 को 4 से किया तो 8 और 12 अभी उसी रेशियो में, लेकिन इक्वल हो गया। ये भी टोटल 20 हो गया और ये भी टोटल 20 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ रख दूंगा तब भी मिल जाएगी सेम सेम। तो बस ए बी सी आ गया हमारे पास 5 8 7, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्या कहते हो, समझ में आया ना सभी को? चलो फिर अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो भाई फटाफट। ए मैन ए वीमन एंड ए बॉय टुगेदर कंप्लीटेड ए वर्क फॉर इफ यू डिसाइडेड टू डिवाइड द रेशियो 4/5 3/4 1/2 इफ द टोटल वेजेस ऑफ वुमेन एंड बॉय टुगेदर ₹36 मोर देन दैट ऑफ मैन फाइंड टोटल वेजेस। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि एक आदमी एक वुमेन और एक बॉय, ठीक है, किसी काम को करते हैं और उन्होंने काम डिवाइड कर लिया इस रेशियो में 4/3 3/4 और 1/2। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, मानते हो इस बात को? तो ये मैन है हमारे पास और ये वीमेन है और ये बॉय है। ठीक है, तो काम इसका था 4/5, रेशियो वीमेन ने कितना 3/4 और बॉय कितना 1/2। मैंने आपको कहा है हमेशा कि पहले रेशियो को नॉर्मल उसमें बदलो, यानी फ्रैक्शन को रिमूव करो। तो 5 4 और 2 का एलसीएम होगा कितना 20, तो 20 से गुणा कर दो सबको। तो 4/5 × 20 ये रेशियो खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 3/4 × 20 और 1/2 × 20। ठीक है भाई, तो मैन विमेन और बॉय, देखो 5 से कटेगा 4 तो आदमी के हिस्से में आया 16 का, 4 से कटेगा 5 तो विमेन के हिस्से में आया 15 का, और 2 से कटेगा 10 तो बॉय के हिस्से में आया 10 का। ठीक है, तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलेगा, जिसने जितना काम किया होगा पैसा भी तो उसी रेशियो में मिलेगा ना। अब वो कह रहा है कि द टोटल वेजेज ऑफ विमेन एंड बॉय टुगेदर ₹36 मोर देन दैट ऑफ मैन। अब अगर यहां से बात करूं मैं कि विमेन और बॉय का टोटल वेजेस, तो विमेन और बॉय ने काम कितना किया, इतना किया किससे, मैन से। तो देखो 15 + 10 कितना हो गया 25, और ये आदमी से कितना ज्यादा है 25 - 16 यानी कितना 9, और ज्यादा कितना मिला 3600, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 3600 भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 400। अब पूछ रहा है वो टोटल वेजेस, तो टोटल तो ये सारा ही होगा ना। ठीक है, तो सारा कितना हो गया 16 + 15 + 10, तो 16 और 15 कितना हो गया 31, 31 और 10 41, तो 41 × 400 तो 16400 था टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दाबी महेश जी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है ऑप्शन बी, तो बाकी बच्चे भी
बताओ भाई, आई थिंक क्लियर है सभी को। सिर्फ क्या करना था, ऑप्शन फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, फिर आ जाएगा, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। और वो कह रहा था कि वुमेन और बॉय को मैन से 3600 ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से देखो 15, 10, 25 और 16, तो वुमेन और बॉय मैन से कितने ज्यादा है, 9, तो 9 की वैल्यू 3600, 1 की वैल्यू 400, तो टोटल करूं सबका तो 41, 41 गुना 400, 16400। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फटाफट से देखो कि ₹55,500 वाज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/4, 1/5, 1/6, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दिस द अमंग इन एक्सेस रिसीव्ड बाय सी वाज। ठीक है, वो कह रहा है कि 55,500 रुपए, ठीक है भाई, ए बी सी में बांटने हैं, ए बी सी में किस रेशियो में, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, ठीक है, बांट दो ओरिजिनली। ठीक है, तो पहले बांट देते हैं। अब देखो सिंपली, पहले अगर इसको खत्म करेंगे तो इसको किससे गुणा करें, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 60 से गुणा कर दो सबको, इसको भी 60 से गुणा कर दिया हमने और इसको भी 60 से गुणा कर दिया, तो 6 से कटेगा 10, 5 से कटेगा 12 और 4 से कटेगा 15। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको कि फ्रैक्शन खत्म करने के लिए एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम आया 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई सबको, तो ये आ गया 15, 12 और 10। तो देखो अब टोटल कितना हो गया, 15 और 12, 27 और 10, 37, तो 37 की वैल्यू है कितनी, 55,500। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक की वैल्यू आ जाएगी 37 से, देखो काटो इसको 37 से गया एक, कितना बच गया 18, और फिर ये 85, तो फिर गया 5 से, तो 1500 आ गया भाई। ठीक है, तो अब सबका हिस्सा आ जाएगा ए बी सी का। ठीक है, तो ए बी सी का हिस्सा कितना आएगा भाई, ए का हिस्सा आएगा 15 गुना 1500, तो 15 गुना 1500 कितना हो गया, 15 बंदरी 225, तो 22,500। ठीक है भाई, बी के हिस्से में कितना है, 12, तो 12 गुना 1500, तो 12 गुना 1500 कितना हो गया, 12 बंदरी 180, तो 18,000। ठीक है, और सी का हिस्से में कितना आया भाई, 10, तो 10 गुना 1500, तो 10 गुना 1500 कितना हो गया, 15,000। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको भाई। तो ए बी सी को अगर इस रेशियो में बांटे, ओरिजिनली तो इसी में बांटना था हमें, तो इसमें बांटने के बाद ए बी सी को मिला 22,500 और बी को मिला 18,000 और सी को मिला 15,000। बट वो ये कह रहा है कि गलती होगी उनसे, और गलती से उसने 4, 5, 6 में बांट दिया। अगर 55,500 को किस में बांट दें, एबीसी में 4:5:6, तो टोटल कितना हो गया, 9 और 6 15, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 15 की वैल्यू होगी 55,500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 15 से गया 15 3 45, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15 3 45, बच गया 10, 15 7 105, तो 3700। ठीक है, तो इसको भी 3700 से गुणा कर दो और इसको भी 3700 से गुणा कर दो। ठीक है, और इसको भी 3700 से गुणा कर दो, बट जरूरत हमें सी की है, क्योंकि वो कह रहा है कि सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ, तो इसी की जरूरत है ना। तो 6 की वैल्यू 6 0 0 0 6 7 42 4 और 6 3 18 और 4 22, तो उसे मिल गए 22,200, बट मिलने कितने थे 15,000, तो 22,200 मिले हैं और मिलने चाहिए थे कितने 15,000, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिला 7200, 7200। तो ऑप्शन जो ए है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। यस, तो जिन भी लोगों ने ए आंसर बताया है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। वैसे इजी है ये सारे, 10, 11, 12, चलो
एक और कर लेते हैं, बाकी दो होमवर्क देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, बताओ 10 नंबर का आंसर। देखो क्या बोल रहा है, रुपीज 44,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, कितने पैसे हैं भाई, 44,000। ठीक है, 6 आदमी, 7 विमेन और 5 बॉय में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और एक आदमी, एक विमेन और एक बॉय का जो रेशियो है वो 4:3 है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ 5 बॉयज। ठीक है, अब एक आदमी को कितना मिलता है, 4, एक विमेन को मिलता है 3, एक बॉय को मिलता है 2। तो यहां से देखो, मैन विमेन और बॉयज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, 6 × 4, एक आदमी को 4 मिलता है तो 6 आदमी को कितना मिला होगा, 24। एक विमेन को 3 मिलता है तो 7 आदमी को कितना मिलेगा, 21। एक बॉय को 2 मिला तो 5 बॉय को कितना मिलेगा, 10। एग्री करते हो, तो 5 बॉय का कितना है, 10। तो हमें बताना है कि 10, 24 प्लस टोटल कितना हो गया, 24 प्लस 21 प्लस 10 कितना हो गया जी, 55। तो ये 55 किसके बराबर है, ये 44,000 के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 से कट गया 8, तो 800। अब पूछ रहा है कि 5 बॉयज का हिस्सा बताओ, तो 5 बॉयज का हिस्सा कितना है, यहाँ पे देखो 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 800 800, यानी कि 8,000। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए बताया है वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या कहते हो भाई, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और दिया करो आंसर, आप लोग बस होमवर्क को अपने होम में ही रख लेते हो, बाहर निकालते ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे कहानी सबको समझ में, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, देखने में इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, यूपीएससी ऐसे ही पूछता है। ठीक है ना, चलो तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक तो सीसेट का कोर्स, ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बेहद कमजोर है और वो साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहता है, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो से लेकर के करना चाहता है, तो वो हमारे इस सीसेट के कोर्स से जुड़ करके, जो बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में अवेलेबल है, और सीसेट क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया, आजकल अधिकतर बच्चे सीसेट में ही रह रहे हैं। ठीक है ना, और तो पैटर्न भी थोड़ा सा ये हो रहा है, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना लक्ष्मी जी, आप कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, तो आप इस कोर्स से जुड़ के अपनी सीसेट की तैयारी को ढंग से कर सकते हैं भाई। दूसरा, अगर आप सिविल सर्विसेज 2021 के कोर्स में चाहते हैं कि आपको हर कंटेंट, हर टाइप की चीजें अच्छे से मिले, तो यहाँ आपको हमारे पास सिविल स्टेप की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है, ये प्री और मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है भाई, और इस कोर्स में आपको जीएस, आपका सीसेट, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, तो ये चारों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से अगर एक भी अधूरा रहता है तो आप शायद ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन चारों को भी इस पूरे कोर्स में बहुत ढंग से बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कवर किया गया है, हर एक कंसेप्ट को, और आप इससे जुड़ के भी अपनी तैयारी को वो एक नया आयाम दे सकते हैं। तो जुड़ने का माध्यम या तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए 8146207241 पे, या आप हमें मेल करिए, जो मेल करनी है आपको वो hello@civilstep.com पे करनी है, या आप हमारे बंडल्स पे जाके सीधा, वहां भी www.courses.civilstep.com पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर आप नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई सबसे पहले तो, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लें या hello@sylstep.com पे हमें मेल कर दें। और इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें भाई, ठीक है? वहाँ आपको सारे टाइप के नोटिफिकेशन, फ्री कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ठीक है? चलो अब आपके कमेंट में ले लेता हूँ। दाबी महेश जी कह रहे हैं थैंक्स, गुड एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू दाबी जी। शिवानी तुतेजा थैंक यू। जूही खान सर यू ऑलवेज मेक द थिंग सिंपल, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मी चंद्र सेकंड सर हाउ इज द CSET कोर्स डिफरेंट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। इन दिस इनिशिएटिव हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जो होता है हमारा एक रिवीजन टाइप ही होता है। बट जब हम आप कोर्स में जाओगे तो वहाँ आपको जैसे सपोज यार रेशियो प्रोपोर्शन की 2-3 वीडियो होंगी तो वहाँ आपको 6-7 वीडियो मिलेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से मिलेगा आपको। साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? डिस्कशन फॉर्म पे आप अपने डाउट साझा कर सकते हो, किसी फैकल्टी से बात करनी है, कुछ भी है, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है उसमें। लक्ष्मी जी, गौरी नवीन जी थैंक यू, विजय कुमार जी थैंक यू, आई लाइक दिस इनिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी जी, जूही खान थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में हम भाई, और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की क्लास में, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी सी बात मान के आप इस सेशन को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में साथ पढ़ने वाले बच्चों को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए कि CSET एक फ्री इनिशिएटिव आप लोगों के लिए चला रहा है, ताकि आप भी जो रीजनिंग और क्वांट में आपको दिक्कतें आती हैं, GS में, करंट अफेयर, ये वो सारी चीज़ें जितनी भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं आपको, उनका फ़ायदा वो भी उठा पाए, ठीक है? चलो तो फिर कल मिलते हैं भाई, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।